सबको हेलो नमस्कार। आज हमारा आउटिंग का प्रोग्राम है, वो हम लेके जा रहे हैं आपको डिंडियाली होम स्टे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पहाड़ी खाना चाहिए, विलेज वाइब्स चाहिए, शहर के नज़दीक की जगह चाहिए और आप जाना चाहते हैं गांव, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं, आप महसूस करना चाहते हैं गांव की मिट्टी की खुशबू, मिट्टी के बने घर, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आपको आपके गांव को और आपके गांव के घर को आपके शहर के पास लेकर आया है ये होम स्टे। तो डिंडियाली आने के लिए आपको पहुंचना होगा सबसे पहले देहरादून शहर। देहरादून शहर से डिंडियाली होम स्टे की दूरी है करीब 24-25 किलोमीटर और देहरादून शहर से आप वाया रोड डिंडियाली होम स्टे तक पहुँच सकते हैं। देहरादून शहर से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जाने वाली थानो रोड पर करीब देहरादून से 24 किलोमीटर दूर साल के जंगलों के बीच सिरोही गांव के पास ये होम स्टे स्थित है और इसके लिए आपको गुजरना पड़ेगा देहरादून शहर से होते हुए लाडपुर रिंग रोड एरिया होते हुए और पुराना रायपुर बाज़ार होते हुए और स्पोर्ट्स कॉलेज यानी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज यानी राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए और उसके बाद जंगल के रास्ते से होते हुए आप ये आप खूबसूरत व्यू देख रहे हैं। ये रोड साइड का व्यू है और थानो गांव से होते हुए आप पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन यानी होम स्टे डिंडियाली। दोस्तों, हम निकल चुके हैं डिंडियाली जो कि एक होम स्टे है, वहाँ पर जाके आप चिल कर सकते हैं। और अभी हम हैं जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है क्रिकेट का, जो कि देहरादून में स्थित है, उसके पास पहुँच चुके हैं। ये जो रेड रोड है ये करीब 15 किलोमीटर आगे जाके स्टेडियम में मिल सकता है। आप देख सकते हो हल्का सा नज़र दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको यहाँ पर लास्ट टाइम और सेफ्टी कप के कुछ मैच खेले गए थे जिनमें द लीजेंड सचिन तेंदुलकर भी आए थे। देखिए, अब हम लगभग देहरादून डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं थोड़ी देर में। वैसे जहाँ हम जा रहे हैं वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी हम जहाँ पर हैं वो लगभग टिहरी और देहरादून का बॉर्डर है, सीमा क्षेत्र है दो जिलों का। मगर स्थिति इसकी ऐसी है कि एकदम मैदानी इलाका छोड़ के शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं यहाँ पर से, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय की सबसे छोटी रेंज है, शिवालिक रेंज शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं, आते हुए ब्यूटीफुल। और ये देखो धान की खेती भी हो रही है और यही वह फेमस देहरादून का राइस है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। आशीष भाई का संगीतकार जाग गया, इसलिए मैंने उनकी आवाज़ अब हटा दी है, वो ब्लॉगिंग कर रहे थे। और अब एक बात जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ पर जाने के लिए कितना सेफ़ है। तो आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप
एक या दो पर्सन जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपको 24-25 किलोमीटर जाने के बाद अंदर जंगल की तरफ मुड़ना है। तो अच्छा है कि आप ऐसी जगह पर दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ ग्रुप में जाइए, अकेले मत जाइए। और वैसे डर नहीं है, लेकिन उधर जंगल का एरिया है और अभी नया नया होम स्टे खुला है, तो मुझे वहाँ पे पुलिस दिखी नहीं और पॉसिबल भी नहीं है कि पुलिस ऐसी जगह पे सब जगह पहुँच पाए। लेकिन धीरे धीरे अगर भीड़ भाड़ होने लगेगी तो नेसेसिटी के हिसाब से पुलिस भी रहेगी वहाँ, लेकिन अभी वहाँ पर केवल मुझे वही लोग दिखे जो जिन्हें उसे होम स्टे की जानकारी थी और वो होम स्टे तक पहुँचना चाहते थे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप फैमिली के साथ जाइए वहाँ पर, या दोस्तों के साथ जाइए, ग्रुप में जाएँ और अकेले ना जाएँ। और मैं डरा नहीं रही हूँ, ऐसी कोई असुरक्षा तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी क्यों ना हम सावधानी बरतें। अदरवाइज़ गांव वाले तो वहाँ रहते ही हैं, छोटा सा गांव है और गांव के लोग तो वहाँ पर अकेले आते जाते ही हैं। तो लेकिन फिर भी आप अगर किसी जगह पर नए हैं तो अपने हिसाब से आपको सावधानी। और ये अस्मू को उल्टी आ रही है और हमें यहाँ पे इंटरचेंज करनी पड़ी अस्मू की सीट, और अब अस्मू आ गई हमारे साथ और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। नानी नाना गाड़ी नीचे रख लो फोन उस पे डैशबोर्ड। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कपल का वहाँ पे अकेले जाना ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगा। और दिन के टाइम पे फिर भी सही है, क्योंकि गांव वाले भी आते जाते रहते हैं, तो जो चक रोड है वो चलता फिरता रहता है, यानी कोई ना कोई पास होता रहता है। लेकिन अगर लेट नाइट आप उधर की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं तो नाइट में वहाँ पर ठीक नहीं है, केवल वे लोग जो कि वहाँ नाइट में स्टे करने वाले हैं तो वो वहाँ टाइम से पहुँच जाएं, यानी अपना दिन के टाइम में वहाँ पर चेक इन कर लें और तब वहाँ पर आराम से आप नाइट स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे होम स्टे का जो अपना स्टाफ है वो रहता है, प्लस उनका जो अपनी किचन है, किचन का स्टाफ भी वहाँ पे रहता है। तो और आसपास गांव के घर हैं जिसमें फैमिलीज रहती हैं, तो वहाँ अंदर जाके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रास्ता है तो उसमें थोड़ा सा नाइट में चलने तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, जंगल भी है जानवरों का, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू। ये हम बिल्कुल हाइट पे हैं इस वक्त और ये चोटी में बहुत पास नज़र आ रही है, बादल भी बहुत नज़दीक नज़र आ रहे हैं, और नीचे के वीडियोस नीचे के जो क्लाउड हैं वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम उनके ऊपर आ गए हैं। और यहाँ दाल की खेती हो रही है, लोबिया है शायद, और अब हम एंटर हो रहे हैं अंदर। अच्छा, तो ये हम आए हैं डिडियाली होम स्टे में और हम जा रहे हैं अंदर। कोई छोटा सा गांव है जिसके बिल्कुल लास्ट में ये बना है, और चलो पवन भाई पापा आओ। तो पापा जी ने एक लोकल कोई मेडिसिन ढूंढ ली है जो बुखार में काम आती है, और अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये अंदर का व्यू चल अंदर, और एंट्री पे ही ये हमारे गढ़वाल के पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे ढोल कहते हैं, खाली ये दिखाने के लिए बनाया है लेकिन इसे ढोल कहते हैं, प्रीतम बर्तवान जी के हाथों में आपने देखा होगा। और इंडियन व्यूअर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो फॉरेनर हैं उन सभी को मैं बता रही हूँ कि प्रीतम बर्तवान जी के हाथ में आपने ये ज़रूर देखा होगा। और इसको दमऊ बोलते हैं, इसको इस छड़ की सहायता से बजाया जाता है, और
इसे मसक बीन कहते हैं और ये मेरी फेवरेट है और इसकी जो साउंड होती है वो बहुत हिप्नोटिक साउंड होती है। और हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते ही ठीक सामने ये महासू देवता के मंदिर की सिंबॉलिक प्रतिकृति बनाई गई है और ऊपर से ढका भी है ताकि बारिश से सेफ्टी हो सके, क्योंकि अभी ये आंगन का ही एरिया है और आंगन में चारों तरफ काफ़ी हरियाली भी है और यहाँ पर पारंपरिक तरीके से सभी गेस्ट का स्वागत करते हुए पहाड़ी वेशभूषा में रिसेप्शनिस्ट, और इन्होंने नाक में ये जो पहना है इसे नथनी कहते हैं और गढ़वाल साइड में तो नथनी काफ़ी फेमस है और टिहरी स्टाइल और पौड़ी स्टाइल सब अलग अलग स्टाइल में नथनी मिलती है। और ये पापा जी ने ये परंपरा है कि जब कोई तिलक करता है तो शगुन का सिक्का डाला जाता है थाली में, पापा जी को याद रहा और उन्होंने तुरंत डाला, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अरे क्या हुआ ये? तो इस तरह पारंपरिक तिलक और म्यूजिक के साथ स्वागत किया गया गेस्ट का। तो फाइनली मेरा पवन भाई को ब्लॉगिंग का चस्का लग गया है कमेंट्री करते हुए और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। मैंने भी सोचा कहने देती सभी लोग अपने अपने स्टाइल में यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, किसी का ब्लॉगिंग का कीड़ा बाहर निकल के आ रहा है, किसी को चारों तरफ की हरियाली दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं और ये असीम अपनी मम्मा के साथ बैठ गई है झूले पे। और ये देखिए अपनी नानी से कुछ पूछ रही हूँ और ये चारों तरफ का व्यू। वाव, ये पारंपरिक आटा चक्की है और इसके दो पार्ट होते हैं और ये इसका हैंडल होता है, इसको इसमें फिट कर दिया जाता है और यहाँ से इसमें जो भी आपको अनाज पीसना है वो डाला जाता है और इसको घुमाया जाता है तो यहाँ से पीस करके बाहर को निकलता है। इसे फिट नहीं कर रखा है, ऐसे ही रखा हुआ है शो के लिए। तो होम स्टे एक गांव के बिल्कुल अंत में बसा हुआ है और यहाँ पर बाहर से कुछ इस तरीके का व्यू है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि कमर्शियल जगह है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी का घर है। और ये इसका मेन डोर है, मेन गेट है और गेट से अंदर एंटर होते ही यहाँ लिखा हुआ है डंडियाली का ई सतीर घूर पाली का खांबा जगवाल छाना कना ग्यारह कबीत आला वाला। मैं आ रही हूँ और ये मेन एंट्री डोर पे इन्होंने ये जगह का नाम भी लिखा है डिंडियाली होम स्टे एंड कैफ़े, रूम्स अवेलेबल 24/7 hours। आपको रात दिन रात कभी के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। स्पेशल बेडरूम है, स्पेसियस पहाड़ी थाली खाने में और मेडिटेशन की भी फैसिलिटी है यहाँ पर, वेरी गुड। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं और इसी के पास ये इन्होंने गढ़वाली वाद्य यंत्र लगाए हैं, ये देखिए ये ढोल है और इसके एक साइड हाथ से बजाया जाता है और एक साइड स्टिक की सहायता से बजाया जाता है। और ये दमाऊ है, दमाऊ दोनों ये फ्रंट साइड में होता है और ये ऐसे हाफ गोले जैसा होता है दिखने स्ट्रक्चर वाइज, और इस दोनों स्टिक से बजाया जाता है दोनों हाथों की स्टिक लेके। और ये मेरा फेवरेट मसक बीन है
और इसकी जो म्यूजिकल साउंड होती है वो बहुत ही हिप्नोटिक साउंड होती है। मैं तो पर्सनली इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसमें ये बैग जैसा होता है, स्पॉन्जी बैग होता है, यहाँ से इसमें एयर फिल की जाती है और ये जो तीन पोर्शन है यहाँ से एयर बाहर निकलती है और यहाँ से म्यूजिक की साउंड बाहर निकलती है और यहाँ से बांसुरी की तरह इसको प्ले किया जाता है। और इसको बजाने में बहुत ज़्यादा आपका जो सांस लेने का आपका स्टेमिना होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इसे बजा सकते हैं। और बजाना बहुत टफ भी होता है, लेकिन थैंक गॉड मेरे एरिया में जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो इसे बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छे वे में बजाते हैं। और ये वाला जो ढोल है तो इंडियन व्यूअर को तो ये पता होगा, लेकिन फॉरेनर जितने भी मेरे व्यूअर हैं मैं उनके लिए भी बताना चाहती हूँ। प्रीतम बर्तवान जी ने अमेरिका में या कनाडा में कहीं कंसर्ट किया था तो वहाँ वो ये लेके गए थे, उनके टीम में आपने ये ज़रूर देखा होगा। तो ये हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र, इसके बाद आगे इन्होंने कुछ और भी, इसमें शायद गेस्ट आए हैं, लोकल लोग हैं जो आउटिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। ये हल्दी का लग रहा है मुझे, हल्दी का फूल है ये, हल्दी लगा रखी है इन्होंने। और यहाँ पे उन्होंने ये पुरानी लकड़ी की बैलगाड़ी टाइप का कुछ रखा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से इसको अभी ढक रखा है तो इसलिए पूरी तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बग्गी जैसा पहले जो हुआ करता था। और काफ़ी कोचिया प्लांट और काफ़ी सारे प्लांट्स भी इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। और तोरी की बेल हो रही है यहाँ पे, और इस पर, और ये यहाँ पे गौ माता की बड़ी सी मूर्ति भी डिस्प्ले की है और बछड़ा उसके थन की तरफ जाते हुए, और इसमें तोरियाँ भी लग रही हैं। तो दोस्तों अभी तो मैंने आंगन तक ही दिखा है, अंदर भी बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन एक ही वीडियो में अगर दिखाने लगी तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी और अतुल भाई फिर से कहेंगे कि सीरियल बना दिया, इसीलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ और वादा है आपसे कि बाकी के एक्सपीरियंस के साथ दूसरी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार, आपका प्यार और सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।